फ्रेंड्स, माँ के खजाने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माता रानी का दिन चल रहा है और उनको भोग के लिए आज मैं चना की रेसिपी लेके आई हूँ। और आप एकदम बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगी इस तरह बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका चना बनके तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। और आप माता रानी को भोग लगाइए, अपने घर में जागरण करिए, सबको प्रसाद वितरण करिए। बहुत ही सरल विधि है, तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों देखिए, चना मैंने रात में भिगो दिया था और कितना बढ़िया ये फूल के हमारा तैयार हुआ है और इसको अब हम छान लेंगे। दोस्तों, चना छोटा हो या बड़ा कोई भी हो, आप बनाएंगे प्रसाद के लिए तो बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। अब देखिए, चना हम इस कुकर में डाल देंगे और इसमें मैं देखिए एक चम्मच में नमक डाल रही हूँ, उसमें नमक डाल देंगे एक चम्मच। और इसके बाद इसमें देखिए एक कप इसमें हम पानी डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद इसमें अब हम सीटी लगाएंगे। अब दोस्तों, इसको हम ढक्कन से बंद कर देंगे। कुकर में देखिए सीटी आ गई, अब गैस को हम धीमा कर देंगे और इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे। देखिए दोस्तों, चना उबल गया है, कुकर ठंडा हो गया, मैंने खोल दिया और देखिए कितना बढ़िया उबला है। मैं दिखा भी गर्म है, मैं दिखा रही हूँ आपको एक, ये देखिए कितना बढ़िया है। ये इसी तरह हमको चना जो है बनाने के लिए हमको चाहिए। कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें मैंने 3 चम्मच इसमें मैंने जो है तेल डाल दिया है। गैस को इसमें तेज़ रखेंगे कि तेल गर्म हो जाए। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। गैस को मीडियम कर देंगे। इसके बाद देखिए मैंने ये मसाला तैयार किया है और इसमें चूंकि देवी माँ का प्रसाद बना रहे हैं तो इसमें हम प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे, लेकिन और मसाला हम जब डालेंगे तो इसमें जाएगा हल्दी और ये धनिया पाउडर 2 चम्मच लिया मैंने, और ये जो है गरम मसाला लिया है मैंने, और ये है चना मसाला है, लाल मिर्च है। अच्छे से मैं इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें ये हरा मिर्चा जाएगा, ये देखिए मैंने सोट लिया है पिसा हुआ है, और ये काली मिर्च है, काली मिर्च जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर और नमक मैंने पहले डाला था, ये काला नमक मैं डालूंगी और नमक मैंने पहले डाला था इसलिए स्वाद अनुसार नमक। अब ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जैसे हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया। दोस्तों ये देखिए मसाला बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया महक भी आ रही, बहुत अच्छी। और ये देखिए कितना बढ़िया मसाला भुन गया है, तेल जो है अब हमारा छोड़ने लगा है। देखिए तेल आपको दिख रहा होगा कि तेल साइड साइड से छोड़ने लगा है। अब हम इसमें अपना उबला चना इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया महक आ रही है और ये प्रसाद में जिसको आप खाने के लिए देंगे बहुत ही टेस्टी और कितनी जल्दी बन के तैयार हुआ है बिना लहसुन टमाटर का। और मैंने इसकी जगह अमचूर डाला, आप इसकी जगह चाहे नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर हम इसको ढक देंगे। दोस्तों देखिए, माता रानी का प्रसाद बनके तैयार हो गया है, चना हमारा बन गया है। तो आपने देखा कितनी झटपट जो है माता रानी का प्रसाद तैयार हुआ। और आप इसी तरह चना बनाइए अपने घर में और जागरण करिए और लोगों को प्रसाद आप वितरण करिए। तो दोस्तों, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी ये माता रानी का भोग कैसे बनके तैयार हुआ। और माँ के खजाने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप बताइए आपको और कौन रेसिपी की वीडियो मैं बना के भेजूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।